रहेगी। जितने आप सब लोग बैठे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आज मैं आई और आपके इस सेमिनार में इनिशिएट की। ख्वाजा एहसान साहब ने आना था, वो किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके और उन्होंने मुझे कहा कि आप चली जाएं। तो मैं खुशी से, मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम सुनते आए थे मगर कभी मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। आज मैंने आपके वो चेहरे देखे जिनको मेरी आरज़ू थी, ख्वाहिश थी कि ये होम्योपैथ में ये इतने बड़े लोग हैं जो सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी कमिट की है, डेडिकेट की है, आज मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। मैं ये कहूँगी कि होम्योपैथी एक बहुत कदीम इलाज है, एक सिलसिला है जो हमारे इस खत्ते पे बहुत पुराना है। मुझे याद है हिकमत हो, होम्योपैथी हो, हम इनके किस्से सुनते आए हैं, इनकी कहानियाँ, किस्से, किस तरह लोगों को शफा मिली, साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। और ये भी बात होता था कि बंद बोतलों में जर्मनी से दवाइयाँ आती थी, सो कोई शक और शुबाह भी नहीं होती थी कि ये असली है या नकली है, बिकॉज जो दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते थे बेहतरीन, मगर सारी बात समझ ली है। कहते थे पुराने ज़माने में एक हकीम साहब ने, वो सिर्फ लफ्ज देख के वो सब कुछ बता देते थे। तो मैं ये कहती थी कि ये कैसे हो सकता है। मैं दिल्ली में गई, मैं गई हुई थी एक अपने अजीज़ हैं वहाँ उनको मिलने, तो वहाँ मुझे याद है बेगम शेख अब्दुल्ला को मैं मिलने गई, उनके साथ मेरे नाना के बहुत बहुत पुराने तलुकात थे। तो मैंने उनको बताया मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे थोड़ी जलन होती है, तो उन्होंने कहा कि सही हकीम साहब के भाई हैं, उनका बहुत बड़ा दवाखाना है और आप वहाँ जाएँ। मैं गई, उन्होंने मेरे नब्स पे हाथ रखा, सारा मुझे पास उन्होंने बता दिया कि ये तकलीफ है, ये तुम्हें ऐसा हुआ ऐसा हुआ, 100% उनका वजूद था, दुरुस्त था। और मुझे तब नहीं मालूम था कि मुझे थायराइड भी था, थायराइड हाइपोथायराइड था। उन्होंने कहा कि वापस जाओ और थायराइड का ना सारे टेस्ट कर लो, टेस्ट कराए, थायराइड निकले। तो कहने का मतलब है कि जो आपका जो तजर्बा है, आपका जो इल्म है, ये किसी बड़े डॉक्टर नहीं, आप खुद बहुत बड़े डॉक्टर हैं। ये जैसे मेडिसिन में सीखा जाता है, होम्योपैथी में भी इसी तरह बड़े लंबे लंबे कोर्सेज हैं, आप लोग सीखते हैं और कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे हकीम हो, चाहे होम्योपैथ हो, गलत किस्म के लोग भी अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ठप्पा गलत लगा के बैठ गए, जिससे सिर्फ आप नहीं, मेडिसिन हो, बड़े बड़े डॉक्टर्स हो, सब के ऊपर एक नज़र, एक पर्दा सा आ गया कि ये जो कमिटेड लोग थे इनमें ये दो नंबरी कैसे बीच में घुस गए। तो उस जो दो नंबर है उसको तो आप बाहर निकाल के फेंकेंगे, और जो आपने मुझे रिक्वेस्ट की है वो बिल्कुल मैं और ख्वाजा एहसान साहब फॉलो अप करेंगे। हम चाहेंगे कि आपको गवर्नमेंट की जॉब्स मिलें, वो बहाल हों, मेरी कोशिश होगी, क्योंकि मेरे पास नहीं है, वज़ीर आला के पास, सेक्रेटरी हेल्थ के पास मैं जाऊंगी, उनको समझाऊंगी और कहूंगी कि आप ज़रूर कीजिए, बिकॉज दिस इज अ सिस्टम विच इज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। डॉक्टर मसूद क्लिनिक वॉज ओपन्ड इन 1935 बिफोर पार्टीशन, ही वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट होम्योपैथ, माई हस्बैंड यूज टू गो टू हिम, एंड आई रिमेंबर डॉक्टर मसूद वो गड़ी शाह में रहते थे। तो इतने बड़े बड़े नाम हम आप सबके सुने और जाने, और आज मैं आप सब के दरमियान में मैं खड़ी हूँ, मैं इधर की नज़र डालती हूँ हर तरफ के, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने इंसानों की खिदमत की। यहाँ मेरे पास डॉक्टर यासीन बैठे हैं जो बच्चों का ब्लड कैंसर का इलाज करते हैं।
नामुमकिन को आप लोगों ने अल्लाह के फजल से करने वाला अल्लाह है, शिफा को आपके हाथ में डालता है। इट इज़ द वर्क ऑफ गॉड, जब वो चाहे सब कुछ होता है, मगर वो अपने बंदे चुन लेता है कि किसको मैंने ये देनी है, किसके हाथ में मैंने शिफा डालनी है। और वो चाहे आप एक जिस तरह कहते हैं एक रात की पुरिया भी दे दें, उसमें भी शिफा आ जाएगी जब अल्लाह ताला चाहता है। तो आप लोगों की नेक नीति, आप लोगों की मेहनत और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपके साथ हूँगी। आज ख्वाजा साहब तो नहीं आए, मगर मेरे कंधों पर इतना बोझ डाल दिया, मैं भी बूढ़ी हूँ, कंधे भी बूढ़े हैं। और इंशाल्लाह रब के साथ खड़ी होके हम दोनों बहन भाई आपके लिए, वी विल फाइट फॉर यू, वी विल गेट यू योर राइट्स, बिकॉज होम टैक्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड, योर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इलाज, लोगों के दुख और दर्द का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो आप लोग बांटते हैं। इसके साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, फिर एक दफा कहूंगी, इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी टू बी हियर टुडे एंड आई एम ग्रेटफुल टू काजल साहब फॉर सेंडिंग मी टुडे। थैंक यू एवर सो मच। खुदा हाफिज़।